गला सूख गया बोल मेरे ससुराल वालों ने मुझे जो गिफ्ट दिया है वो ये दिया है मेरे पास। उसके बाद मैंने इनको बताया कि लाइट शायद कट गई है, तो मैंने अजितेश को बताया कि लाइट शायद डेली ब्लॉग्स लाने लगे थे लेकिन ये लोग मानते ही नहीं है। इन लोगों ने कहा कि नाइन लोग की लाइट चलेगी, नाइन का कुछ ऐसा कर पाएंगे कि मैं किस घर से हूँ, कहाँ से हूँ, मैंने कभी ये सब चीजें नहीं देखी। ये लोग ये क्या लाइफ कराना चाहते हो तुम लोग? नीच लोग हैं, लिटरली इतने नीच लोग हैं, मतलब शर्म नहीं आई बर्थडे के दिन ये हरकत। हाँ यार बर्थडे हर बार तुम लोग हमारे किसी सेलिब्रेशन वीवो के बर्थडे। Happy birthday to you. You clapping करो। Happy birthday dear Chinu। Chinu का birthday है, डर रहे हैं। Happy birthday to you। To me sorry। Happy birthday Chinu। Thank you, thank live, you। Live चल रहा है Chinu, आप बात कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल। Guys कोई था नहीं तो हमने live ही कर दिया। आप केक कटिंग भी देख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं। Happy birthday to you। चढ़ गया भगवान जी के लिए। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है ये कुछ ऐसा ही हो क्योंकि वीवो को रोक लिया था। लाइए मैं केक खिला दूं। उधर देखो ना, उधर से देख रहे हैं लोग आपको। हेलो। अरे वीवो ने भी खा लिया क्या? तो गाइस आपको थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा नजर आ रहा होगा रूम में क्योंकि मेरी तो गला सूख गया। मेरे ससुराल वालों ने मुझे जो गिफ्ट दिया है वो ये दिया है मेरे बर्थडे पे कि हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है। आप लोग को शॉकिंग लग रहा होगा कि बर्थडे के दिन भी मैं ये सब बातें कर रही हूँ, तो ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें अभी हुई हैं। मतलब मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी, कल ब्लॉग आएगा तो मैं काफी लोगों को कुछ देने गई थी, आप लोग ब्लॉग में देखना। फिर जब हम लोग घर पे आए तो हमें पता चला कि हमारी लाइट कट गई है। हमें ऐसे पता चला कि मैं बाहर गई देखने तो देखा कि स्ट्रीट लाइट जो होती है वो जल रही थी, तो मैंने देखा कि लाइट तो भाई आ रही है, हम ऊपर क्यों नहीं आ रही है। और गर्मी, फ्रिज व्रिज कुछ चल नहीं रहा था, विवान का दूध वूध भी खराब हो चुका, खराब हो गया एक बार। तो मैं अजितेश आया, उसके बाद मैंने इनको बताया कि लाइट शायद कट गई है। तो मैंने अजितेश को बताया कि लाइट शायद कट गई है, फिर हमने देखा तार वार सब कुछ। फिर नीचे ड्राइवर भैया है, उनसे पूछा अजितेश ने कि जरा नीचे आप पूछना कि लाइट कटी है या नहीं, तो उन्होंने नीचे पूछा। तो हाँ, लेकिन सबसे डाल दिया गाइस, ब्लॉग देखना आप लोग कि हमारे एब्सेंस में लाइट कटी है हमारा फोन, और हम लोग गर्मी में बैठे हैं। मेरे बर्थडे पे इतना तगड़ा सरप्राइज दिया है इन लोगों ने। गाइस हम लोग एक ब्लॉग बनाया था, हम लोग खाना वाना बांटने गए हुए थे इनके बर्थडे पे। हमने सोचा था कि कनाडा चल रहे हैं तो कुछ ज्यादा मतलब कर ही नहीं सकते, सीधी सी बात है ना ऐसी स्थिति में। तो गए थे खाना बांटने, हमारी गैर मौजूदगी में हुआ जो कुछ भी हुआ। हम लोग वापस आए तो मतलब शाम के टाइम आ गए थे तो इतना ध्यान नहीं दिया, बहुत देर हो गई थी, लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही। हम लोग जब परेशान होने लगे फिर मैं चला गया ऐसे थोड़ा, मैंने कहा यार चलो हो सकता है लाइट आ जाए, फिर केक वेक काट लिया जाएगा। मैं वापस आया तो ये बाहर खड़ी हुई थी, कह रही थी यार सब जगह लाइट आ रही, स्ट्रीट लाइट वगैरह जल ही रही थी रोड की, जैसे कि आप लोग ब्लॉग में देख सकते हैं। तो बस इतनी सी बात है कि अगर कोई आ भी गया था लाइट काटने तो एक तो हमारी गैर मौजूदगी में हुआ और दूसरी चीज हमें इन्फॉर्म कर देते, चलो कोई बात नहीं। और जिनके नाम से मीटर था क्या, वो 5-10 हजार रुपए दे करके या कुछ भी कर करके वो चीज रोक नहीं पाए। या शहर में इतनी बात नहीं थी, वैसे तो मंत्री विधायकों से रिश्तेदारी है। नहीं मंत्री विधायकों से गाय सिर्फ इस बात की रिश्तेदारी है जब मुझे धमकाया जाता था कि हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, ना तुम्हारे पापा हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे क्योंकि हमारा रिश्तेदार तो श्याम बिहारी है। नाम ले रही हूं मैं खुलकर, जिसको भी रिकॉर्ड करना है लाइव वो खुल के रिकॉर्ड कर ले और भेज देना मेरा। मुझे मतलब इतने नीच लोग हैं, लिटरली इतने नीच लोग हैं, मतलब शर्म नहीं आई बर्थडे के दिन ये हरकत। हाँ यार बर्थडे हर बार तुम लोग हमारे किसी सेलिब्रेशन वीवो के बर्थडे पे हराम हाँ, बना करा तुम लोगों ने हाँ, मतलब गलत हरकत करी, आज भी कुछ ना कुछ कर दिया। यार ऐसा मत करा करो ना, हर बार मेरे बच्चे के डस्ट क्या हुआ था, वो नामकरण पे भी तुम लोगों ने खिचड़ी बना के रख दी। अरे कहाँ से आए हो, कैसे पैदा हो गए, मुझे तो खुद शर्म आती है कि यार मैं तुम लोगों पे पैदा हो गया। और जितने भी तुम लोग एहसान गिनाते हो ना मुझे मैसेज कर करके, ठीक है ना, बताऊंगा मैं ब्लॉग में तुम्हारे सारे एहसान और मैंने तुम लोग के लिए क्या करा, ठीक है ना। लाइफ को दी एंड देखो गाइस, ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है सिर्फ मेरे घर वालों की बदौलत। मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ, आप लोग को भाई जाहिर सी बात है सेलिब्रेट होता है तो कहीं ना कहीं पोस्टिंग दिखती। गाइस ये लोग चाहते हैं कि इनके बाहर पूरा लाइव टेलीकास्ट हो
जैसे मैंने आपको भी बताया एक ब्लॉग में मेहंदी पिक्चर की तरह ना कि देखो जी देखो ये मेरा ससुराल है, ये लोग सिर्फ अब यही चाह रहे हैं और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि मुझे यही करना पड़ेगा। आप लोग सिर्फ बने रहिए और आप लोग देखिए हमारा बर्थडे ऐसे हो रहा है। ब्लॉग डाल दिया है गाइस, ब्लॉग देख लेना। आज का जो ब्लॉग शेड्यूल हुआ था बर्थडे का, हाँ, वो अलग हुआ था, अलग हुआ था कि हम लोग जो बाहर बाहर गए थे, जो भी हम लोगों ने सेलिब्रेट करा जिस तरीके से वो दिखाना चाह रहे थे, लेकिन घर आते ही माहौल ही चेंज कर दिया। पसीने में नहा रहे हैं, कब पता नहीं लाइट चालू होगी, प्रयास में लगे हुए हैं कि कुछ ऐसा हो जाए। यार चलो ठीक है, हमारा नहीं लगता, अजितेश का नहीं लगता यार, इस बच्चे का सोच लिया करो, इंसानियत नाम की चीज़ उल्टा सीधा ऊंची हरकतें करते हुए तुम्हारी भी यार कैसे लोग, मैं तो ये बोलने वाला था तुम्हारी भी औलाद है, अरे मैं ही तुम्हारी औलाद हूँ यार। कम से कम इसका सोच लिया करो कि हम लोग ये कैसे रहेगा, हम तो चलो उम्रदार है, हम तो कह लेंगे कि भाई गर्मी लग रही है गर्मी लग रही है, ये बेचारा किससे कहेगा जाकर के। इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। लेकिन यार जानवर खाने वाले, जब जब तुम लोगों ने मुझे परेशान करा, जब जब झगड़ा करा, मैंने तुमसे कहा कि ऊपर वाला सब देख रहा है, माता जी सब देख रही है ऊपर से, तो पिताजी आज फिर कह रही हूँ कि माता जी सब देख रही है, समय यही मतलब समय तो बढ़ी रहा है, दुनिया यही है, हर कोई यही है, आपकी अति का अंत होगा पिताजी, एक दिन होगा, जरूर होगा। अब आप दुनिया को रो रो के दिखाओ, लेकिन आपकी जो असलियत है वो हम ही लोग जानते हैं कि आप क्या हो, जो दुनिया को रो के अपना रोना दुख और जो ज्ञान दे रहे होंगे ना, तो वो लोग जितने भी लाइफ पे ज्ञान दे रहे हो देते रहो यार, लेकिन आप लोग समझ सकते हो कि हम तो भैया हमारी तो फिर से गाड़ी डाइवर्ट हो चुकी थी, हम लोग अलग डेली ब्लॉग्स लाने लगे थे, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं है। इन लोगों ने कहा कि ना इन लोग की लाइट चलेगी, ना इनका कुछ ऐसा कर पाएंगे, ना वीडियो बना पाएंगे, थोड़ी देर बाद इन्वर्टर बंद हो जाना है और ये तो हमारा वाईफाई वगैरह भी सब बंद हो जाएगा, फोन वोन भी ठप हो जाएंगे, फिर रात में पता नहीं क्या हो सकता है। खैर चलिए लाइव वाइव बंद कर दो, मुझे हैप्पी बर्थडे बोलो, हैप्पी बर्थडे सब बोलो। मैं ना सिर्फ ऊपर वाले पे भरोसा रखती हूँ, ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती है और इंसान की पहचान ही होती है ऐसे लोगों से, भाई ऐसे लोग मिलने चाहिए, मैं तो ये कह रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे नीच लोग कभी नहीं देखे थे, लेकिन मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। और सारी भसड़बाजी में मैं बताना भूल गया कि ये जो है ये बहुत ही स्पेशल मेरी सिस्टर कह लो या बहन कह लो, एक्चुअली वो मुझे बचपन से जानती हैं और वही जानती हैं कि मैं किस टाइप का हूँ क्या हूँ। तो गाइस उन्होंने ये केक भेजा, किस मतलब विशेष तो बहुत सारी आई साक्षी के पास, मेरे पास भी कॉल वॉल आई है, लेकिन कोई ऐसे जैसे पहले बर्थडे बर्थडे होती थी तो मेरे निरे केक शेक कट जाते थे, ये हो जाता था वो हो जाता था। चमत्कार को नमस्कार है मेरे दोस्तों, ठीक है, राम राम सारे आने। चलो और मैं तो दीदी को बोलना चाहूंगी स्पेशली थैंक यू दीदी, अभी फोन में बात कर रही है, अगर लाइव देख रही हो तो सही बताऊं तो अगर वो केक नहीं भेजती तो हम केक भी, हाँ सीरियसली अगर केक ये नहीं होता तो केक कटता भी नहीं, क्योंकि माहौल घर पे आते ही ऐसा मतलब थोड़ी देर में खराब हो गया था कि यार समझ रहे हो ना कि हम हर चीज के हर कोई एडिक्शन हो गया है भाई लाइट साइड का, तो समझ सकते हो हम लोग कैसे बिना लाइट के, तो आप लोग भी कभी ना कभी रहे होंगे तो समझ सकते हो। इन लोग को ये शर्म नहीं आती कि मैं किस घर से हूँ, कहाँ से हूँ, मैंने कभी ये सब चीजें नहीं देखी, ये लोग ये क्या रियलाइज कराना चाहते हो तुम लोग, भाई मैं सारी चीजों में रह लूंगी लेकिन तुम लोगों की जो शक्लें है ना वो सबके सामने आ गई, और ऊपर वाले से जवाब जिस दिन तुम लोग को मिलेगा उस दिन बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा, मैं तो फिलहाल केक खा लूं, ये इसी का नाम है जिंदगी की, आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन ठीक है गाइस चलते हैं, रखते हैं और मतलब रखते क्या है, एंड करते हैं, और वीवो हैप्पी बर्थडे मामा बोल दो, वीवो अभी थोड़ी देर में रोने वाले हैं क्योंकि धीरे धीरे ने भी पसीना आ रहा है ठीक है, ओके बाय गाइस।